इस जेल भरो आंदोलन के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष आए और सभा को संबोधित करके समाप्त करें कि वक्त की कमी है, सबको अपने अपने बहुत दूर प्रस्थान करेंगे। ये गलत मेरा है। आज के इस विशाल जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी सेविका सहायिका बहने एवं अभिभावकों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस जेल भरो आंदोलन के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और भारी से भारी संख्या में हम लोग अपने अपने परियोजना से जाने का, पटना जाने का पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप लोग अपने अपने परियोजना जाइए और जो भी इच्छुक हैं जाने का वो अपने परियोजना के प्रखंड अध्यक्ष को अपना नाम लिखाएं और 15 तारीख को जैसा भी बीमारी हो दवा हुआ खा करके स्वस्थ हो जाए और वहाँ विधानसभा में हम लोग घेराव करेंगे। ये हमारी मांगों का है, मांगों की आवाज है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग न थकेंगे न हारेंगे। इसी चंद बातों के साथ आज की सभा को यही समाप्त की जाती है। फिर से एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब व सलाम। ये जो आप हमारे पीछे इतनी भीड़ देख रहे हैं, सब औरतों की जो यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, हमारे पीछे जितनी भी भीड़ है यहाँ पे नीचे काफ़ी भीड़ है, भीड़ जमी हुई है, तो ये सब भीड़ जो है सारे जो सेविकाएँ हैं, आंगनबाड़ी वाले हैं, ये लोग यहाँ पे आज रैली निकाला है। इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ही रैली निकाला है। नीतीश कुमार के खिलाफ ये रैली है और इन लोगों की मांगों को अगर इस रैली के साथ पूरा नहीं किया गया तो फिर 15 तारीख को, जैसे कि आप सुन पाए, 15 तारीख को फिर से ये विधानसभा घेराव करेंगे लोग और वहाँ रैली लेकर के जाएंगे। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि यहीं से इनकी मांगें पूरी हो जाए ताकि इतनी परेशानी ना हो। और ये लोग काफ़ी मेहनत करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट लाइक कर दीजिए ताकि नीतीश कुमार तक पहुँच जाए।